एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ टाइप को स्टडी करेंगे। तो इसकी फर्स्ट टाइप है इंट्रिंसिक पैरिटी। तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनकी दो पैरिटी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पैरिटी जिनकी एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे पैरामीटर की पैरिटी को हम इंट्रिंसिक पैरिटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हैमिल्टोनियन को हम ले लेते हैं। जब हम इस हैमिल्टोनियन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशन में वेव फंक्शन आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो इस लिहाज से इसकी दो पैरिटी होती हैं। जब हम पॉजिटिव एक्सिस पे पैरिटी अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती हैं, और जब हम नेगेटिव एक्सिस पे पैरिटी अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। मतलब कि प्लस माइनस दोनों पैरिटी इसकी एग्जिस्ट करती हैं। When Hamiltonian is a function of distance, जब Hamiltonian जो है ना किसी distance का function हो तो हम Hamiltonian को यूँ ज़ाहिर करते हैं, h is equal to p square over 2m plus v into r। ठीक है, ये sum of kinetic और potential हैं। It is invariant under parity operation, psi of x is a solution, then psi of minus x is also solution। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में हम वेव फंक्शन यूजुअली निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो जो है ना इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेव फंक्शन आते हैं। तो जनरली सम पार्टिकल हैज़ इट्स ओन पैरिटी, तो जनरली यू होते हैं कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी ही पैरिटी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव पैरिटी भी होती हैं। तो जब हम उन पे पैरिटी को इस तरह से ऑपरेट कराते हैं तो इनकी प्लस माइनस दोनों साइन पैरिटी के उनमें एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है पैरिटी ऑफ फोटोन। तो पैरिटी ऑफ फोटोन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि फोटोन तो मैसलेस हैं और उस पे चार्ज भी नहीं है, तो हम इसकी पैरिटी को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखें, पैरिटी जो है, ये फोटोन जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सचेंज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्सचेंज पार्टिकल हैं। तो हम इसकी पैरिटी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सेस के लिहाज से समझ सकते हैं। नो लेट अस कंसीडर द पैरिटी ऑफ फोटोन, द मैक्सवेल इक्वेशन। इस मैक्सवेल की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से हैं, डेल डॉट इज इक्वल टू क्यू रो, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाली हैं वो डेल बी और पार्शल बी और पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस ई। इसकी इस पे अगर हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, लेट के डेल जो है ये एक्स एक्सिस हम मान लें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पैरिटी है वो कुछ इस तरह से, ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम पैरिटी जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से ये नेगेटिव पैरिटी हो गई, सही है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पे हम पैरिटी अप्लाई करें, सही है, तो ये पॉजिटिव पैरिटी शो करेगी क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो करता है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गई। जब हमने इस पे पैरिटी अप्लाई की तो ये पॉजिटिव पैरिटी में कन्वर्ट हुई, सही है। इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें, ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल इज़ कनेक्टेड टू फील्ड, इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कनेक्ट हैं उनके लिए ये दो इक्वेशन हैं, ई इज इक्वल टू डेल फाई माइनस पार्शल ए और पार्शल टी, और दूसरा है बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। इसकी पायोरिटी क्या होगी आप जानते हैं, इसकी पायोरिटी नेगेटिव होगी और इसकी पायोरिटी जो है ये पॉजिटिव होगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी पायोरिटी चेक करते हैं फाई पोटेंशियल की, सही है, तो ये नेगेटिव पायोरिटी है इसकी, जब हम इस पर पायोरिटी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती हैं। इस तरीके से हम इस पोटेंशियल की जो है ना पोटेंशियल करेक्टर पे हम अप्लाई करते हैं पायोरिटी तो इसकी नेगेटिव हो जाती है, पहले पॉजिटिव पायोरिटी थी अब नेगेटिव हो गई, और इसकी नेगेटिव पायोरिटी थी अब पॉजिटिव हो गई। तो पायोरिटी ऑफ फोटोन को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन से शो कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना नेगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग मूव करती हैं तो पायोरिटी को अप्लाई करने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरीके से हम फोटोन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे पैरिटी अप्लाई करके समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बहाव है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीज़ होती हैं, फोटोन होता है, तो वो फोटोन की मूवमेंट ही होती हैं दर हकीकत। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट क्या है, फोटोन की मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर जब हम
पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो गोया हम फोटोन पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फोटोन की पैरिटी को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पैरिटी से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट टाइप है पैरिटी ऑफ मैनी पार्टिकल। अब बहुत से पार्टिकल की पैरिटी हम क्या एक साथ कर सकते हैं? अगर एक सिस्टम हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं तो हर एक का एक्सेस जो है ना डिफरेंट होगा, तो हम एक ही वक्त पे उन पे पैरिटी अप्लाई करके जो है ना वो किस तरह से जो है ना उनके एक्सेस को जो है ना एक ही टाइम में बहुत से पार्टिकल पे हम पैरिटी अप्लाई करके जो है ना उनके एक्सेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वांटम मैकेनिकली यूँ हो सकता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन जो है ना ये डिस्क्रीट सिमिट्री को शो करता है और कुछ जो होते हैं ना कंटिन्यूस सिमिट्री भी होती हैं, वो जिस तरह के वोल्टेज होता है उसे हम एडिटिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस सिमिट्री को हम के कंटिन्यूस सिमिट्री के क्वांटम नंबर को हम एडिटिव फॉर्म में लिखते हैं और जो डिस्क्रीट सिमिट्री हैं उसके यहाँ उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, उसके क्वांटम नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सही है। द क्वांटम नंबर ऑफ मैनी पार्टिकल इज़ एडिटिव। क्वांटम नंबर जो बहुत से पार्टिकल का एडिटिव होगा कब? फॉर दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्टीन्यूस सिमिट्री। कॉन्टीन्यूस सिमिट्री के जो क्वांटम नंबर हैं वो क्या हैं? एडिटिव हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर देयर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट सिमिट्री। और डिस्क्रीट सिमिट्री ऑफ पार्टिकल जो हैं उनके क्वांटम नंबर क्या हैं? उनके क्वांटम नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब दे आर डिस्क्राइब एज, हम इन्हें ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत से डिस्क्रीट पार्टिकल हों तो उनके वेव फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, साय इंटू एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं हमारे पास, तो इनके वेव फंक्शन को, इस वेव फंक्शन को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में डिस्क्रीट लिख सकते हैं, साई वन एक्स वन साई टू एक्स टू साई थ्री एक्स थ्री अप टू सो वन एन तक हम इसे लिख सकते हैं, वेव फंक्शन को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लिखते हैं। सही है, अब अगर इस पर हम पैरिटी अप्लाई कर दें, ठीक है, u इंटू साई अप्लाई कर दें तो ये u प्राइम हो जाता है, प्राइम नहीं होता ये बल्कि रिवर्सल साइन है। ठीक है, ये रिवर्सल साइन को शो करता है पैरिटी को, तो ये जो है ना बाकी तमाम पे इस तरह जो है ना हर एक के पे जो है ना पैरिटी अप्लाई हो जाएगी और सब जो है ना रिवर्सल हो जाएंगे, साई वन रिवर्सल या प्राइम बोल दें, साई वन प्राइम साई टू प्राइम अप टू साई एन प्राइम। ठीक है, तो साई प्राइम हो जाएगा। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई फॉर्म के लिए हम यूजली पाई यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के स्टार्ट वाले लेक्चर में हमने जो है ना इस पाई को डिस्कस किया था, जब हमने पूरे सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन को जो है ना एक सिंगल साइन के साथ शो किया था, यानी कि जिस तरह समेशन को हम सिग्मा साइन से शो करते हैं इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम पाई साइन से यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चूँकि एज हम जानते हैं कि u इज़ इक्वल टू होता है e की पावर आयोटा क्यू ए, यहाँ पे u क्या है? यूनिटरी ऑपरेटर था, और q यहाँ पे क्या है? q है यहाँ पे हार्मिशन ऑपरेटर। तो हम u की वैल्यू अगर यहाँ पे ये इंसर्ट कर दें, ठीक है, साई प्राइम इज़ इक्वल टू u की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, साई एज इट इज़ आ गया। फॉर मैनी पार्टिकल, बहुत से पार्टिकल के लिए जो क्यू हार्मिशन है ये चूँकि कंटिन्यूस पैरामीटर है, तो कंटिन्यूस पैरामीटर के क्वांटम नंबर को हम सम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हर एक पार्टिकल के लिए क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अप टू सो ऑन, तो साथ में इंटू ये ए और ये वाला साई फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा पैरिटी ऑफ मैनी पार्टिकल के लिए, कि अगर कंटिन्यूस सिमिट्री हो हमारे पास तब हम क्वांटम नंबर को जो है एडिटिव फॉर्म में लिखेंगे, अगर डिस्क्रीट सिमिट्री हो तो हम क्वांटम नंबर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है,